नमस्कार, मैं हूं अमितेश और न्यूज 24 की टीम इस वक्त गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के कुर्था गांव में है। कुर्था गांव के आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे पोलिंग स्टेशन है और यहां पर लोग अपना मतदान करने आ रहे हैं और कुछ हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को केंद्र में रखकर इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। नाम बताइए भैया। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। अच्छा, तो हम लोग लोकसभा चुनाव के बारे में लोगों से बातचीत करने निकले हैं कि किन मुद्दों पर गाजीपुर के लोग वोट कर रहे हैं। आपने चूंकि अपना वोट दे दिया है तो किन मुद्दों को प्राथमिकता पर रखा? देखिए, हम नौजवान युवक हैं। सबसे पहले अपने बेरोजगारी के तौर पे देखते हुए हमने समाजवादी पार्टी या गठबंधन को जो भी आप माने उसको वोट किया है। ठीक है, हमारी रुचि इसमें जानने में नहीं आपने किस दल को किया है। हम ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि क्या मुद्दे रहे आपके नजर में, एक अच्छे कैंडिडेट की क्या परिभाषा है। अच्छे कैंडिडेट के माने में आपकी क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ। बता रहा हूँ कि गठबंधन को जो बता रहे हैं, सरकार बता रही है कि मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा, भर्तियां निकालूंगा। मैं नौजवान युवक हूँ, अभी तक बेरोजगार पड़ा हूँ। उनके पर्पज से मैं वोट किया हूँ गठबंधन सरकार के। मतलब वादों से आप प्रभावित? हाँ। अच्छा, मोदी सरकार है तो जुमलों को बस वादे बनाती रहती है, बस बेरोजगार को दौड़ाती रहती है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट कुछ करती नहीं है। अपना परिचय बताइए। जी, चंद्र प्रकाश सिंह यादव मेरा नाम है। वोट दे दिया आपने? जी दे दिए हैं। मुद्दे को देख करके वोट दिया। हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी को देखते हुए हम लोग वोट किए हैं। अच्छा, बेरोजगारी को देखते हुए वोट किए हैं। ठीक है साहब, आपका परिचय? हमारा आलोक सिंह यादव नाम है। अच्छा अच्छा, एक गांव में मैं थोड़ा सा यहाँ की भौगोलिक स्थिति समझने के दृष्टि से पूछना चाहूंगा कि अगर जातिवार बात करें तो कितने परिवार यादव समुदाय के होंगे या फिर ये सवर्णों के की जनसंख्या क्या होगी, क्या थोड़ा कुछ बता पाएंगे इस बारे में? हाँ, इधर सवर्णों की संख्या करीब करीब मान लीजिए 500-600 के आसपास होंगे लोग। अच्छा, 600 घर है कि 600 लोग? नहीं, 600 लोग मान के चलिए। अच्छा, 600 वोटर, लेकिन वोटर मान के चलिए 350-300 के आसपास। ऐसा क्यों? जब 600 है तो फिर 300 बाहर भी रहते हैं लोग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सभी लोग यहीं पर रहते हैं, बाहर कामकाज के सिलसिले में गए हुए। अच्छा, टोटल कितने वोटर होंगे इस गांव के बूथ पर? यहाँ पर करीब करीब शायद 950 से 1000 के आसपास है। 950 से 1000। और इसमें से ये जो पीछे भी बस्ती है ना हुसैनपुर, इसमें भी कुछ यहाँ पर बूथ पड़ा। अच्छा, हुसैनपुर में भी इसी गांव? नहीं, हुसैनपुर नहीं, ये हरजन बस्ती है। अच्छा, यहाँ के कुछ वोट 100-150 के आसपास इस बूथ पे पड़ते हैं। अच्छा, तो आपने वोट दे लिया है? हाँ, हम वोट दे लिए। किन मुद्दों पर वोट दिया? हम विकास के मुद्दों पर वोट दिए हैं, बेरोजगारी के मुद्दों पर वोट दिए हैं, महंगाई के मुद्दे पर वोट दिए हैं। अच्छा, हाँ, तो ऐसा कैंडिडेट आपको मिल गया ना कि जो कि आपके मानक पे खरा उतर रहा? एकदम खरा उतरेगा। अच्छा, चलिए साहब, क्या परिचय है आपका? सिया सिंह यादव। अच्छा, तो ये बताइए कि कुर्था गांव को अगर गाजीपुर के दृष्टि से कहा जाए तो क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? यहाँ पर हाजीबाग का सबसे बड़ा दिव्य स्थान है यहाँ पे। अच्छा, गंगादास बाबा है। अच्छा, इसीलिए माना जाता है यहाँ पे। अच्छा, वोट दे दिया आप, क्या रहा वोट आपने किस मुद्दों पर दिया, किस प्रत्याशी का जो आपने चयन किया? जब ईवीएम पर आप बटन दबाने गए तो आपके जहन में क्या था, आपकी सोच में क्या था? सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी, युवाओं के लिए बहुत दिक्कत है इस सरकार में, रोजी रोटी मिली नहीं रही है, खाली बच्चे सब घूम रहे हैं। ग्राउंड देखे सब, इधर घास पास जाम के देख लीजिए, उधर भी घुमा के देख लीजिए, सब बेरोजगारी का दौर इतना पड़ गया, बच्चे एकदम निराश होकर दौड़ना छोड़ दिए। जब से अग्निवीर योजना के अग्निवीर एकदम नौजवान बच्चों को एकदम हतोत्साहित कर दिया, इसको मानिए तो। अच्छा, कुछ और लोग हैं इस तरफ भी, चलते हैं जरा देखते हैं कि क्या इन लोगों ने वोट दे लिया है, और दे लिया है तो किन मुद्दों के आधार पर इन्होंने वोटिंग की है। क्या नाम है साहब? मुकेश कुमार सिंह। अच्छा, तो सिंह साहब ये बताइए कि कुर्था गांव में वोटरों की संख्या लगभग कितनी होगी? अभी हमने एक सज्जन से बात किया, थोड़ा सा हम और विस्तार से। 900 लगभग वोटर है। अच्छा, और ज्यादा मतलब 900 में आधा तो ठाकुर ही है। अच्छा, हाँ, और आधे में सब लोग मल्ला है, यादव कम है। अच्छा, हरजन बस्ती थोड़ी सी है उसमें भी है। तो कितनी आप, एक चूंकि आप कई चुनाव यहाँ देखते होंगे तो 900 टोटल वोटरों की संख्या में 400-500 वोट पड़ता है। 400-500 वोट पड़ता है। अच्छा, तो बाकी वोट इतने इतना बाकी लोग बाहर रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो नौकरी पैसा लोग हैं तो यहाँ नहीं रहते हैं तो उधर ही वोट देते हैं, आ नहीं पाते हैं वो। अच्छा, वो वहीं पे अपना जो है। हाँ, वहीं पे वोटिंग करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने वोट दिया कि नहीं? हाँ, वोट दिया। पहले सुबह सुबह दे दिया जी।
अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन का जो आह्वान है कि पहले मतदान फिर हम नहा के पहले वोट ही दिए फिर बाद में इधर घूम रहे। अच्छा, क्या माहौल समझ में आ रहा है? लोग जो हैं वो किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं इस बार? मुद्दा कोई किसी को महंगाई मुद्दा लगता है, कोई मोदी जी के हिसाब से वोट दे रहा है, कोई अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसे हिसाब से वोट दे रहा है, जो बुजुर्ग है बेरोजगारी पे वोट दे रहे हैं, और जो जो रोजगार है वो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए जरा मुझे, क्योंकि आपने बात की विकास की और मुद्दों की, अंत में सारा मामला आकर जात पे क्यों टिक जाता है? आप शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लोग विकास और तमाम चीजें गिना, यूपी बिहार ये दो कभी जाति के ऊपर उठा ही नहीं ना उठेगा। कुछ बता सकते हैं क्या क्यों ऐसा होता है? अब यूपी बिहार में तो मैं जब से देख रहा हूँ ऐसा ही चल रहा है, चाहे कोई भी चुनाव हो वो जाति के ऊपर ही जाके टिक। कुछ कारणों पर प्रकाश डाल पाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि भाई सबका पर्सनल रूप है, लेकिन ज्यादातर बताइए कि लोकसभा का चूंकि दायरा बड़ा होता है, विधानसभा का उससे छोटा होता है, और उसके नीचे जो इलेक्टोरल जो वो है सिस्टम है उसमें और छोटा दायरा होता है। लोकसभा के अगर हिसाब से बात करें तो क्या व्यक्तिगत जान पहचान पर भी वोट पड़ते हैं? हाँ, केवल एजेंडा पर और जाति पर? जान पहचान पे भी पड़ता है, और जो लोग सोचते हैं कि मेरा ये आदमी भला कर सकता है तो उसको भी वोट देते। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपके दो दोस्त हैं, एक जो है किसी अन्य दल में है जिसको कि आप राजनीतिक रूप से पसंद नहीं करते हैं, और बी है वो आपके पसंद वाले दल का है लेकिन उस दल के आप जो है सिस्टम से नहीं आप खुश हैं, लेकिन जो पहले वाला है उससे आपके व्यक्तिगत दोस्ती है, तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? तो जो मेरे दल के पसंद वाला तो पहले उसको वोट देंगे। अच्छा, हाँ। चलिए साहब, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत राय थी, आपने हमको बताया, सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपने अपने तरीके से वोटर हैं। जी जी, वोट दे के वोट दे दिए। अच्छा, तो किन मुद्दों पर वोट दिया है आपने? वोट दिया है नहीं, हमको ये जानने में रुचि नहीं है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, ये आपका गुप्त मतदान का विषय है, तो हम बता दें वोट दे के आ गए, गुप्त के रह गए। किसी दल विशेष का चुनाव में आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? हम रोजगारी के मुद्दे पे ध्यान दे के वोट दिए भैया। अच्छा जी, ठीक है। तो ये थे कुर्था गाँव के स्थानीय ग्रामीण, जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि स्थानीय कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर यहाँ की पब्लिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज 24, गाजीपुर।